हेलो 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 ब्रो, ये बिग फैन बिग फैन बिग फैन ये बिग फैन ब्रो बिग फैन ब्रो रास्ता ब्रो ब्रो डांट पास फक योर तो और भाई लोग क्या हाल चाल यार, सब बढ़िया होने यार। तो फाइनली मैं लेके आ चुका हूँ फेरो वाली आईडी से गेम प्ले लेके। देखो हम लोग आगे की बातचीत करें, लेकिन उससे पहले आप लोग मुझे बताओ आज वाला इंट्रो कैसा था। अगर मजा आ गया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरी जान। देखो जब से मैंने ये वाली आईडी से शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं, काफी लोग मुझे डेली पूछते हैं टाइगर भाई ये वाली आईडी किसकी है। तो आज वाली वीडियो में बताऊंगा ये वाली आईडी किसकी है और मुझे कैसी मिली। लेकिन यार हद तो तब हो गई जब कुछ भाइयों ने कमेंट करके बोला भाई ये आईडी किसकी चुराई है। अबे तुम लोगों को मैं चोर लगता हूँ क्या? हाँ चोर बाजार से चुराई है, क्योंकि मैं चोरों के खानदान से हूँ। मेरे तो दादा परदादा भी चोर थे। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जोश जोश में मैंने दादाजी का राज खोल दिया। चलो भाई लोग बता ही देता हूँ ये वाली आईडी मुझे कैसे मिली। देखो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है ईशान भैया, और इनको मैं अपने बड़े भाई जैसे मानता हूँ, और ये आईडी उनकी है और उन्होंने मुझे खेलने के लिए दी है। सीन ऐसा है वो काफी महीनों से काम में बिजी है जिसकी वजह से वो गेम खेल ही नहीं पाते। तो उन्होंने मेरे से कहा टाइगर मेरे भाई क्यों ना तुम मेरी आईडी से गेम प्ले डालो, क्योंकि मैं तो खेलता नहीं हूँ और मेरी आईडी में फेरो वगैरह भी है तो पब्लिक को देखने में भी मजा आएगा। अब से अपन फेरो वाली आईडी से ही गेम प्ले डालेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना मजा आ रहा है या फिर नहीं, और ईशान भैया को लव यू मेरी जान। खैर बात करते हैं आज वाले गेम प्ले की। तो आज वाले गेम प्ले आप सभी लोग पूरा देखना, क्योंकि फेरो पहन के मैंने जो तबाही मचाई है देखने के बाद आप सभी को मजा आ जाएगा। और भाई लोग ये वाले गेम में एक ब्लड रेवन वाला बंदा भी आया था जो बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा था, तो उससे भी हमारी फाइट बहुत जल्दी होगी। देखो सामने वाले अपार्ट में पूरी की पूरी टीम थी और यहाँ पर कुछ गजब सीन होने वाला है, जरा देखते जाओ। बोला था ना फेरो पहन के तबाही मचाऊंगा, देखा आते ही 1v4 मार दिया। और आगे तो बहुत गजब के सीन होंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत जाना। हाँ और भाई लोग आप सभी लोग जरा किलफीड पे ध्यान दो, ब्लड रेवन वाला बंदा भी अपनी किलफीड चमकाने लगा है, तो इसके साथ भी अपन बहुत जल्दी कबड्डी कबड्डी खेलेंगे। देखो भाई मेरी टीम में ऐसे ऐसे सिंगर हैं, इनको मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं, मुंबई वाले इनके घर आ जाएंगे। भाई लोग सूत्रों से पता चलता है सामने वाले अपार्ट में कुछ और बंदे हैं, और अब तुम्हारा भाई कैसे धगा पेल करता है जरा देखते जाओ। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ। इन बंदों को मारने के बाद जोरजो के गांव में कोई भी बंदे नहीं बचे थे, तो हम लोग भी फटाफट से जोरजो के डब्बों के इलाके में आ जाते हैं। और भाई लोग यहीं पे वो ब्लड रेवन वाला बंदा था जो फुल M4 भी चमका रहा था। और भाई लोग यही वो ब्लड रेवन वाला बंदा था, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ गलत सीन होने वाला है, जरा देखो। यहाँ पर मेरा एम हल्का सा गड़बड़ हो जाता है जिसकी वजह से मैं नॉक हो जाता हूँ, लेकिन ये वाले बंदे हुए ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए। और इस टीम को मारने के बाद डब्बों का इलाका भी पूरी तरीके से खाली हो जाता है और मेरे 9 किल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है आज फिर 20 के पार कर पाऊंगा? जानने के लिए देखते रहो ये वाली वीडियो। और अगर आप सभी ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो मेरी जान। यहाँ से गेम प्ले बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है, तो जरा ध्यान से देखना। देखो हम लोग पोचंका के इस साइड आ गए थे और तभी मेरा टीममेट ये कहता है सामने साइड कुछ बंदे थे जिनके बीच में विवाद चल रहा था। अब आप लोग बताओ पड़ोसी के घर में लड़ाई हो और बगल वाले देखने ना, ऐसा हो सकता है? तो हम भी आ गए। क्या बात है? ना ये पेड़ के पीछे। अरे वही टीम है।
दोनों को मार दिया तुमने? अरे हाँ भाई, हल्के में ले रहे हो का? देखो भाई, आप लोग लगे हाथ कमेंट करके बताओ ये कार वाला स्प्रे कैसा था। भाई लोग, आप सभी को तो पता है हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं, तो आज मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो बीच में खेलता है लेकिन उसे मेरे चैनल के बारे में नहीं पता, तो प्लीज यार अपने दोस्तों में ये वाली वीडियो शेयर जरूर करना, और उनसे बोलना अगर वीडियो में मजा आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। अगर आप सभी के एक एक दोस्त भी सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे चैनल पर बहुत जल्दी 2 लाख फैमिली कम्प्लीट हो जाएगी। और भाई लोग, ये चैनल सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, आप सभी का भी है, तो प्लीज करवा देना मेरी जान। उनको मारने के बाद हम लोग बंदूक की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन तभी सोचते हैं क्यों ना ऊपर चला जाए, क्या पता ऊपर बंदे मिल जाए, और ऐसा ही कुछ होता है। बस देखते जाओ। देखो यहाँ पर कुछ बंदे बहुत गजब का जाल बिछा के बैठे थे। हम लोग यहाँ पर जैसे आए तभी मैं देखता हूँ सामने साइड एक गैस कैन पड़ी है, और मैं इसको देखते ही समझ गया था यहाँ पर किसी ने जाल बिछाया है। लेकिन उतने में पता चलता है सामने साइड कुछ बंदे आ गए। देखो भाई, यहाँ पर मैं क्लच कर देता लेकिन पीछे से किसी ने बल्ले बल्ले कर दिया। खैर भाई लोग, इनको मारने के बाद हम लोग नीचे कूद जाते हैं, और मैं सोच रहा था क्यों ना ब्रिज पे कूदूं, लेकिन तभी मुझे सामने साइड एक कार दिखती है। और भाई लोग, यहाँ पर बहुत गजब का सीन होने वाला है, असली स्कैम क्या होता है आज दिखाता हूँ, बस देखते जाओ। और जनाब, मुझे तो छत वाले बंदे पे हंसी आ रही है, बेचारे के साथ पीछे से बल्ले बल्ले कर रहा है। इन वाले बंदों को मैंने मारा ही था, लेकिन उतने में एक बंदा और आ जाता है। अरे ओपी भाई, और भाई लोग इसी के साथ हमारे हो जाते हैं 17 किल। अगर आप सभी ने यहाँ तक गेम प्ले देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना फेरो वाली आईडी की गेम प्ले में मजा आ रहा है ना। देखो, हम लोग बंदों की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन तभी हमारा नंबर 3 टीममेट बताता है यहाँ पर कुछ बंदे हैं। यहाँ पर एक दो बंदे थे जिनको भी हमने मार दिया। इस गेम के 3 बंदे और बचे थे, जिनमें से एक बंदा तो मर गया था, लेकिन अब बचे थे सिर्फ लास्ट के 2 बंदे जिनको हम लोग ढूंढ ही रहे थे। लेकिन तो अभी मेरे साथ ये होता है, बीच पूरा चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पर मैं बाल बाल बच गया। ये वाले बंदे ने फायर देके गलती कर दी, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है ये लोग कहाँ छुपे पड़े हैं। टाइगर क्लोजिंग कर दो ना मेरे पे, मैं उस फायर कर दूंगा। मेरे ऊपर बंदा, लेकिन 2 बंदे इधर। वॉच आउट, लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड सुपर लेफ्ट साइड। बहुत सही बहुत सही। जैसा कि आप सभी ने सुना, अब बचे इस गेम का लास्ट बंदा है। और आप सभी को क्या लगता है, चिकन डिनर निकल पाएगा, वो भी 20 किल के साथ? और भाई लोग, अब हमें पता चल चुका था लास्ट बंदा कहां पर छुपा पड़ा है। और भाई लोग, इसी के साथ हो जाता है आज फिर 20 किल के साथ चिकन डिनर। तो आज वाला गेम प्ले आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सभी को गेम प्ले में मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो खैर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले गेम प्ले में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।